जडेजा निरुत्सुक मन से हाल विधानसभा ने चूंटनी चाली रही से जामनगर में 78 उम्मीदवार बिपिन सिंह जाडेजा कांग्रेस में एवं मारा नाना भाई चूंटनी लड़ी रहा है तो बहुमती थी चूंटनी विजय बनावा नम्र विनंती राजपूत सम्मान मारी खास अपील से द लाइव टीवी सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात में चुनाव जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। कांग्रेस वहां अलग तरीके की रणनीति के साथ काम कर रही है, गोदी मीडिया को ही पता हो गया है। और सबसे अहम सीट जो इस वक्त खूब चर्चा का विषय बनी हुई है वो है गुजरात के जामनगर की सीट। दरअसल जामनगर से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा को मैदान में उतारा है और रिवाबा जडेजा का विरोध लगातार उनकी ननद ही कर रही थी। अब समझिए, यानी रविंद्र जडेजा की बहन नैनाबा जडेजा लगातार अपनी भाभी का विरोध कर रही थी। अब उसके बाद उनका विरोध यानी रिवाबा जडेजा का विरोध उनके ससुर ने भी करना शुरू कर दिया है। यानी कि रविंद्र जडेजा के पिता ने ही रविंद्र जडेजा की पत्नी का विरोध करना शुरू कर दिया है और कांग्रेस के पक्ष में वोट मांगा है बकायदे वीडियो जारी करते हुए, जिस वीडियो को लेकर अब खूब चर्चा हो रही है कि आखिरकार जब रविंद्र जडेजा के परिवार में ही अलग अलग मतभेद हैं तो ये चुनावी मैदान में क्या करिश्मा कर पाएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। और ये परिवार की बगावत है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बगावत है। हिमाचल प्रदेश में दिखी थी, गुजरात में भी दिखी है। आधा दर्जन से ज्यादा नेता जो है वो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर टाल ठोक रहे हैं और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से रविंद्र जडेजा के पिता भी अब सामने आ गए। उन्होंने बकायदे अपनी बहू के खिलाफ जो है वो अपील की है। अपील बहू के खिलाफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस को वोट देने की अपील, मतलब बहू के खिलाफत में चले गए ससुर जी। और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कैसे अब आज तक के रिपोर्टर यानी उनको भी समझ में आने लगा है कांग्रेस नई स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है। उनके नेता अलग तरीके से प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, बहुत हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, बहुत ही मीडिया पे नहीं छा रहे हैं, लेकिन उनके प्रचार करने का तरीका बेहद ही दिलचस्प है और जिससे लोगों में काफी अट्रैक्शन उनका बढ़ रहा है। तो दोनों चीजें हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले जो चर्चा का विषय बनी हुई है जामनगर की गुजरात की सीट, जरा देखिए किस तरीके से रविंद्र जडेजा के पिता ने ही अपनी बहू का साथ नहीं दिया है और देखिए कैसे उन्होंने बयान जारी किया है कांग्रेस के समर्थन में, कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में। देखिए जडेजा निरुत्सुक मन से हाल विधानसभा ने चूंटनी चाली रही से जामनगर में 78 उम्मीदवार बिपिन सिंह जाडेजा कांग्रेस में एवं मारा नाना भाई चूंटनी लड़ी रहा है तो बहुमती थी चूंटनी विजय बनावा नम्र विनंती राजपूत सम्मान मारी खास अपील से के विजय बनावा मारी नम्र विनंती से। News24 ने वीडियो ट्वीट किया है। News24 ने वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा की बड़ी मुश्किलें, रविंद्र जडेजा के पिता ने लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने की अपील की है। तो एक गुजरात है, गुजरात में बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही है। जामनगर की सीट जो बताई जा रही थी कि इस बार एक सेलिब्रिटी को दी गई है, सेलिब्रिटी की पत्नी को दी गई है, वो चुनाव जीत कर आ जाएंगी, मोदी जी पे खासा भरोसा करती है, बड़ा बड़ा भाषण देती है, लेकिन फिर भी जनता भरोसा नहीं कर पा रही। जनता तो छोड़िए, परिवार के लोग ही भरोसा नहीं कर पा रहे, तो जनता क्या भरोसा खाक करेगी, यह बड़ा सवाल है जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है। देखिए आप रविंद्र जडेजा की पत्नी का इससे पहले भी उनकी ननद विरोध कर रही थी, ननद बकायदे हर मोर्चे पर आगे कह रही थी कि ये सेलिब्रिटी उम्मीदवार है, ये जीत जाएंगी तो आपके बीच कभी नहीं आएंगी, देखने नहीं आएंगी, सुनने नहीं आएंगी, आपका दुख दर्द जानने नहीं आएंगी, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमेंगी। अब सीधे तौर पर उनके पिता भी सामने आ गए तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अनिरुद्ध सिंह जडेजा जो रविंद्र जडेजा के पिताजी हैं, इनके आने से किस तरीके से बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने भी खड़ी हो गई है, रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा के सामने भी खड़ी हो गई है। दरअसल जामनगर उत्तर से बीजेपी के टिकट पर ये चुनाव लड़ रही है। ऐसे में अपनी बहू खिलाफ वोटों की अपील करने वाला ये वीडियो जो है वो चर्चा का विषय बन गया है अनिरुद्ध जडेजा का। दरअसल बीते मंगलवार को ये वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में रिवाबा के ससुर जामनगर उत्तर सीट पर लोगों से कांग्रेस को वोट देने की अपील कर रहे हैं, जो वीडियो आपने देखा। देखते ही देखते राजनीतिक दलों के कई व्हाट्सएप ग्रुपों में यह वीडियो प्रचारित और प्रसारित होने लगा। वीडियो में अनिरुद्ध सिंह जामनगर के लोगों और विशेष रूप से राजपूत समुदाय के मतदाताओं से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जामनगर उत्तर सीट पर लोग ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट करें। पहले चरण के चुनाव में जामनगर उत्तर विधानसभा सीट पर 1 दिसंबर को मतदान होना है, तो ये अपील बहुत मायने रखती है क्योंकि ये उसी परिवार से आई है जहां से बीजेपी के उम्मीदवार रिवाबा जडेजा चुनावी मैदान में हैं।
उन्होंने कहा कि विपेंद्र सिंह जडेजा जामनगर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं राजपूत समुदाय सदस्यों से उन्हें भारी संख्या में वोटों से जिताने की मदद की अपील करता हूं। हालांकि इस टिप्पणी के बाद उनसे संपर्क नहीं हो सका। आप समझ सकते हैं, रविंद्र जडेजा एक तरफ मेहनत करें, रविंद्र जडेजा भी स्टार प्रचारक के तौर पर अपनी पत्नी का प्रचार कर रहे, कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ परिवार में ही साथ मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप समझिए, ननन भी लगातार इनका विरोध कर रही है। जामनगर में विधानसभा क्षेत्रों की प्रभारी है, कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं, उनकी बहन जो है रविंद्र जडेजा की, उनकी ननंद जिनका नाम है नैनाबा जडेजा है, वो रेवाबा को बीजेपी के टिकट मिलने के बाद से उनके खिलाफ किए जाने प्रचार कर रही हैं। जामनगर उत्तर के लिए रेवाबा के नाम की घोषणा किए जाने के एक दिन पहले नैनाबा ने कहा था, अगर पार्टी किसी नए चेहरे को नामांकित करती है तो बीजेपी इस सीट पर अपना कब्जा खो सकती है। ये पहले भी वो कह चुकी हैं और लगातार वो कैंपेन कर रही हैं अपनी भाभी के खिलाफ और हराने की बात कर रही हैं कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार उनको हराएगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि शायद नैनाबा जडेजा भी टिकट मांग रही थी, यानी रविंद्र जडेजा की बहन कांग्रेस से टिकट मांग रही थी। कांग्रेस से टिकट ना देने की वजह सिर्फ और सिर्फ रिवाबा जडेजा है, क्योंकि रिवाबा जडेजा को टिकट मिलने के बाद पारिवारिक कलह ना हो इसलिए जो है टिकट नहीं दिया गया है नैनाबा जडेजा को कांग्रेस की तरफ से। ऐसा भी बात जो है निकलकर सामने आ रही, ऐसी बात है रही। रविंद्र जडेजा लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए, रविंद्र जडेजा ने भी तस्वीर शेयर की थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी रिवाबा जडेजा ने, उसमें देखिए लिखा हुआ है कि प्राइसलेस वोट्स, यानी वोट्स नहीं है ये, कह सकते हैं काउंटलेस प्राइसलेस वर्ड्स फ्रॉम ए ग्रेट ह्यूमन एंड ए ग्रेट लीडर। ग्रेट लीडर बताया जा रहा है प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री कहा जा रहा है ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन है। तो आप अंदाजा लगाइए, रविंद्र जडेजा भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके पिता का यह वीडियो वायरल हुआ है उसके बाद से सवाल कई सारे पूछे जा रहे हैं कि आखिरकार जब बताइए आपके परिवार में आपका समर्थन नहीं तो आप आगे क्या करेंगे। चलिए ये बात हो गई रविंद्र जडेजा की, वहीं अब बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आज तक जैसे चैनल के रिपोर्टर ने भी यह मान लिया है कि कांग्रेस के स्ट्रेटजी, कांग्रेस की प्लानिंग एकदम फिट बैठ रही, क्योंकि वो जनता के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हवा हवाई चुनाव को नहीं बना रहे। जरा देखिए कैसे रिपोर्टर ने बकायदा एक डिबेट के दरमियान बातें कही हैं। कांग्रेस ने हमेशा से एक अलग ही स्ट्रेटेजी इस बार अपनाई है। देखिए वो लाइमलाइट में नहीं आना चाहते, वो न्यूज में नहीं दिख रहे, लेकिन डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। किसी छोटे से गांव में चले जाते हैं, वहाँ पे दो स्पीकर लगाते हैं, 50 कुर्सियां होती है, वहाँ पर आधे घंटे की स्पीच देते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो ये जो कैंपेन है वो कांग्रेस का वो तो बहुत अलग है। तो सुन लिया आपने कि कांग्रेस जनता के बीच जा रही है, डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, दिखावा नहीं कर रही है, अच्छा चुनाव लड़ रही है, और जिससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के टेंशन इसीलिए बड़ी हुई। प्रधानमंत्री जी की बातें भी एक वायरल हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री जी का कह रहे थे कि कांग्रेस इस बार नई स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है, इसलिए आप लोगों को सक्रियता दिखानी होगी, कांग्रेस के को कमजोर ना समझें। तो आप अंदाजा लगाइए, और यह भी अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो शहर में मजबूती अपनी दिखा पा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में कांग्रेस की मजबूती तेज, यानी कांग्रेस की बीजेपी से फाइट है और शहर में आम आदमी पार्टी बीजेपी से फाइट कर रही है। बीजेपी जो सोच रही थी कि आम आदमी पार्टी एक बी टीम के तौर पर काम करेगी, वो बीजेपी के लिए ही मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल क्या कुछ होगा वो जनता तय करेगी, 1 तारीख को जो है बटन दबाएगी, फिर 5 को बटन दबाएगी, 8 को नतीजे आएंगे, और नतीजे आएंगे सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन फिलहाल उससे पहले जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं वो बीजेपी के लिए मुश्किलें जरूर खड़ा कर रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।